चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो उपचुनाव 25 मई को होने वाला था उसे रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि यहां घाटी में जिस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। कश्मीर घाटी में बीते कई हफ्तों से हालात चिंताजनक बने हुए हैं और कई राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग से मांग की थी कि ये चुनाव या तो टाल दिया जाए या फिलहाल रद्द कर दिया जाए। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अरुणाचलम वैद्यनाथन से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और चुनाव आयोग के इस फैसले पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वैद्य, यहां कई दिनों से पीडीपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके अलावा कई और दल ये मांग कर रहे थे कि 25 मई को होने वाला ये चुनाव रद्द कर दिया जाए, टाल दिया जाए, लेकिन अब जाके फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। इसके पीछे चुनाव आयोग क्या कारण दे रहा है? चुनाव आयोग ने बहुत लंबी चौड़ी ऑर्डर निकाला, इसमें तीन चार पॉइंट है। पहली पॉइंट यही है कि जेएनके जो सरकार है, महबूबा की सरकार ने चुनाव आयोग को लेटर स्पेसिफिकली लिखा, उन्होंने यही लिखा है कि जो सेपरेटिस्ट है और दूसरी जो यूथ एक्टिविस्ट है वो पूरा उन्होंने कैंपेन चला रहे हैं जो 25 तारीख को होने वाले चुनाव में वोटर्स को पार्टिसिपेशन को खराब करने के लिए पूरी कैंपेन चल रहा है। दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं यहाँ हालात भी ठीक नहीं, सो इसलिए इसको रद्द करना बेहतर होगा। दूसरा, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव आयोग को बताया कि अभी फिलहाल ठीक नहीं है, सो इसको रद्द कर दीजिए। तीसरी बात यह है कि जो अभी जो रमजान शुरू होने वाला है वो जून तक चलेगा, उसके बाद अमरनाथ यात्रा चलेगा, वो फर्स्ट या सेकेंड वीक तक अगस्त तक वो पूरी जो सरकारी कर्मचारी है वो बहुत बिजी रहेंगे, सो इलेक्शन के काम में वो आ नहीं पाएंगे। अगली बात जो इस ऑर्डर में ये भी कहा है कि MHA के साथ इन्होंने कहा कि हमें 600 के करीब जो कंपनीज हैं सिक्योरिटी फोर्सेस दें, लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा कि अभी फिलहाल इतना दे नहीं सकते, सिर्फ 250 दे सकते हैं। सो ये सब पॉइंट को नजर रखते हुए चुनाव आयोग ने ये डिसाइड किया कि अभी 25 तारीख की होने वाले चुनाव है वो निश्चित कालीन के लिए रद्द कर दिया जाए, जो अगस्त के बाद जब भी होगा चुनाव आयोग फैसला करेगा, लेकिन अभी कोई डेट नहीं दिया, जो अभी टेम्पररीली इसको कैंसिल कर दिया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत सारे कारणों के मद्देनजर ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, जिसमें सुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। के लिए लिखा, उन्होंने यही लिखा है कि जो सेपरेटिस्ट है और दूसरी जो यूथ एक्टिविस्ट है वो पूरा उन्होंने कैंपेन चला रहे हैं जो 25 तारीख को होने वाले चुनाव में वोटर्स को पार्टिसिपेशन को खराब करने के लिए पूरी कैंपेन चल रहा है। दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं यहाँ हालात भी ठीक नहीं, सो इसलिए इसको रद्द करना बेहतर होगा। दूसरा, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में चुनाव आयोग को अलावा कई और दल ये मांग कर रहे थे कि 25 मई को होने वाला ये चुनाव रद्द कर दिया जाए, टाल दिया जाए, लेकिन अब जाके फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। इसके पीछे चुनाव आयोग क्या कारण दे रहा है? चुनाव आयोग ने बहुत लंबी चौड़ी ऑर्डर निकाला, इसमें तीन चार पॉइंट है। पहली पॉइंट यही है कि जेएनके जो सरकार है, महबूबा की सरकार ने चुनाव आयोग को लेटर स्पेसिफिक बताया कि अभी फिलहाल ठीक नहीं है, सो इसको रद्द कर दीजिए। तीसरी बात यही है कि जो अभी जो रमजान शुरू होने वाला है वो जून तक चलेगा, उसके बाद अमरनाथ यात्रा चलेगा, वो फर्स्ट या सेकेंड वीक तक अगस्त तक वो पूरी जो सरकारी कर्मचारी है वो बहुत बिजी रहेंगे, सो इलेक्शन के काम में वो आ नहीं पाएंगे। अगली बात जो इस ऑर्डर में है, चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो उपचुनाव 25 मई को होने वाला था उसे रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि यहां घाटी में जिस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। कश्मीर घाटी में बीते कई हफ्तों से हालात चिंताजनक बने हुए हैं और कई राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग से मांग की थी कि ये चुनाव या तो टाल दिया जाए या फिलहाल रद्द कर दिया जाए। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अरुणाचलम वैद्यनाथन से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और चुनाव आयोग के इस फैसले पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वैद्य, यहां कई दिनों से पीडीपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके